स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फ्रीज जानकारी। आज की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज, तो यूपी में कब होगा इलेक्शन, आपको फुल डिटेल बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरी देखें लास्ट तक। तो यूपी ग्राम पंचायत चुनाव, जानिए कब होंगे चुनाव, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। और ग्राम प्रधान का कार्यकाल चल रहा है और वो कब होगा ख़त्म, तो जो ग्राम प्रधान का कार्यकाल चल रहा है वो कब ख़त्म होगा, तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखें लास्ट तक। तो समय पर नहीं होगा यूपी पंचायत चुनाव। तो दोस्तों अब इस कोरोना के वायरस, समय पर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर भी गोवंटी के असर नज़र आने लगा है। ग्राम प्रधान समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यालय 15 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। अब तक लखनऊ समेत 45 जिलों में परिसीमन का काम ही पूरा नहीं हो पाया है। तो प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर भी गोवंटी के पसर का असर नज़र आने लगा है। ग्राम प्रधान समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यालय 15 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। अब तक लखनऊ समेत 45 जिलों में परिसीमन का काम ही पूरा नहीं हो पाया है, लिहाजा इन हालात में अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन होने की संभावना है। तो पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव करवाना और प्रशासन के लिए काफ़ी मुश्किल हो है। तो पंचायत राज विभाग का काम पूरा नहीं, तो करीब 80 गांव। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और किस राज्य से हमें वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट ऑप्शन में बताएं। तो करीब 80 गांव ग्राम पंचायत से कटकर नगर निगम की सीमा में शामिल हुए हैं। तो ग्राम पंचायत से कटकर नगर निगम की सीमा में शामिल हुए हैं 80 गांव। तो लेकिन अभी तक इनका परिसीमन नहीं हो पाया है किस पंचायत में कितने गांव रहेंगे और बचे हुए गांव को किन पंचायत में शामिल किया जाएगा। तो पंचायती राज विभाग परिसीमन पूरा ना होने की वजह से अभी तक इसका भी खाका तैयार कर नहीं पाए हैं। तो पंचायत की तस्वीर सपा ना होने पर ग्रामीण इलाकों की वोटर लिस्ट पुनरीक्षण भी नहीं करवाया जा सकता है। तो पुनरीक्षण भी नहीं करवाया जा सकता है। तो लखनऊ के हालात, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी समेत 45 जिलों में परिसीमन ना हो पाने के लिए यहाँ नियमों की तस्वीर भी सपा नहीं हो सकी है। तो HDO पंचायत और SK सिंह का कहना है कि एक परिसीमन की तस्वीर सपा नहीं होगी तब तक वोटर लिस्ट भी अपडेट नहीं हो सकती है। परिसीमन एक नई वोटर लिस्ट तैयार होने में काफ़ी समय लगेगा। तो वोटर लिस्ट तैयार होने में काफ़ी समय लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरी पढ़ के सुना रहा हूँ, तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आपने हमें कीमती समय दिया और कीमती समय देने के लिए जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो मिलते हैं, शुक्रिया।